सानू
सत्संग करने का सुभाग प्राप्त होया है। हरी जस बाणी का कीर्तन दो पल पहला असी सर्वन करना कीता है। हुण समा बनया है गुरबाणी विचार दे नाल असी कुछ हार्दिक सांझ बना सकीए। बचन सिलसिलेबद्ध असी विचारना प्रारंभ किया। जपजी साहिब जी की जो ये मुकामी रचना है इस विचों 35 नंबर पदा जिसनों ज्ञान खंड के रूप में असी सिरलेख रूप अंदर याद करते हाँ उसकी विचार उसकी तहरीर इस स्थान पर हो रही है। बचन जिथे कल समेटिया से उतों ही प्रारंभ करांगे। धर्म खंड का एहो धर्म श्रद्धा दे पड़ाव की बात धर्म की रुचि जिथों प्रारंभ होंदी है ये हकीकत नक्तन बेनती शायद की भी सी। बाणी का बचन यह है सरकंद ने याद रखी पहला पड़ाव है प्रतीत विश्वास हकीकत जिन्हों असी बिलीफ कह दें विश्वसनीयता। सच्चाई यह है विश्वास तो बिना कुछ भी जड़ा है वो ना प्राप्त हो सकता है ना जाहिर हो सकता है। ईवन तुसी अपना ही आत्म विश्वास लूज कर जो जितने मर्जी कैपेबल होवो स्किल्ड होवो प्रोफेशनल होवो तुसी आप ही अपनी एबिलिटी नो सिद्ध नहीं कर पाओगे। आत्म विश्वास है बंदा कुछ पार पा सकता है। इन बिन रूहानी दुनिया च परमात्म विश्वास है एक परम शक्ति क्योंकि जिवें कल बड़ी लंबी तहरीर हुई कई बार भी ख्याल आ जाता है शायद इस पक्ष तो फिर ना नाम है ना सिमरन है ना उस प्रकार ध्यान है ना कुछ उस रूप में मैडिटेट होने की बात है। दैट्स मीन ये सारे कुछ क्याफते ने सिर्फ क्यास आराइया ने छड़ देना चाहिए सब कुछ। फिर तो रब्बी होंद नूं भी असीं एक पासे रख दईए उहदे भी उस रूप दे विच जिहड़ी है शायद पाया नहीं होएगी। मैं छोटी जी बेनती करा ये बड़िया मासूम जिहियां चीज़ां ने ये बड़िया कमसिन जिहियां ये बड़िया बारीक किस्म दियां जिहनूं चाननी दियां दीवारां असीं कह सकते हाँ। क्योंकि मुश्किल ये है जिवें असी इलिटरेसी की बात करते हैं इलिटरेशन की बात करते हाँ अज्ञानता की अमूर्ता की बात करते हाँ। सच ये है पदार्थक मटीरियल के लैवल के उत्ते जितना बंदा ज्ञानवान हो गया ज्ञान वेता हो गया रूहानियत स्पीड की दुनिया के उतना ही इलिटरेट रह गया। इसलिए पिछली सदी के एक बड़े वे बुलारे जिन्हों आम करके असं ओशो के रूप में याद करते हाँ एक बात क्या करता सी वो कहता देखो दुनिया के लोग अक्सर दलील देंगे ने भी संसार में झूठ बोलो ना तो झूठ के पैर नहीं होंगे झूठ तुर नहीं सकता झूठ किसी रूप के भी साबित नहीं हो सकता। असं अक्सर ये गल कहने झूठ के कभी पैर नहीं हुए झूठ दो कदम भी नहीं तुर सकता झूठ नाल दी नाल फड़िया जाता पर कहिंदा मैं तुहानूं दसां झूठ तुर नहीं सकता झूठ दौड़ सकता है। खाली दौड़ नहीं सकता झूठ दूजियां नूं हरा सकता है झूठ इस धरती ते जित सकता है। वो कहन लगे वो किवें कहिंदा बशर्ते झूठ धर्म दे नां ते बोलिया जाए। किहड़ा किसी कोल पैमाना है मेजरमेंट चैक करन दा जो मर्जी कही जाए इंसान। इसलिए धार्मिक ते रूहानी दुनिया दे विच बड़े ओड़ कपोड़ दीयां बातां प्रभाव जोड़ा है प्रारंभ तो लैके अज तक असीं सुणदे आ रहे हैं। गुरदेव महाराज इन्हां सारियां क्यास हराइयां इन्हां सारे दे सारे अडंबर पाखंड नूं वार वार बाणी च उघेड़दे ने सामने जाहर करदे ने।
पर फिर भी ये साहिब महाराज देखो इच्छे होंगी है तुसी आप अपने साढ़े घर इतने बैकयार्ड्स ने असी बैकयार्ड अपना नहीं सामभागे जी साड़ी सुरत है क्योंकि फिर उस शब्द में याद रखा जे गुरुदेव महाराज ने जिथे कहा कि शब्द गुरु सुरत दोनों चेगा मैं कल बेनती की अखर शब्द साहिब महाराज बार बार वो लैके आओगे बाणी ते बोलते ईवन होर ते गल एक पास गुरुदेव ने कहा उपाशक ही बाणी के बन जाए इस तो वह की होएगा बाणी ती चौर झुलेगा बाणी ने मत्था टेकेगा बाणी ते रुमाला देवेगा बाणी अगी अरदास करेगा फिर तो पढ़ेंगे ना बाणी फिर तो सुनेंगे ना बाणी आखिरकार जे शब्द के नाल इतना लिबरेज कर देंगा फिर तेरी सुरत किधर जाएगी फिर किधर दौड़ेगा हर पक्ष तो तुम देखो साडा जौना जमना मरना सब कुछ बाणी में जुड़ गया सारे प्रकार दियां परंपरावां सब कुछ क्योंकि साहिब महाराज शब्द तो सानू विरवा रखना ही नहीं चाहते खास तौर पर रूहानी रूप के अंदर शब्द तो तेरी दूरी ना बने शब्द तेरे संग रहे शब्द तेरे साथ रहे शब्द तेरे नाल रहे हर वक्त मगर मैं जो बेनती खास रूप में कर रहा सीगा जेकर असी थोड़ी जी चात मारते हाँ बारीकी दे नाल ते सच्चाई यह है गुरुदेव महाराज सानू वार वार यह भी गल याद कराते हैं रब्बी हस्ती रब्बी शक्ति उहदे ते विश्वास भी रख पाखंड तो बच अडंबर तो बच वहम तो बच पर नाल दी नाल धर्म की पालना भी कर जिवें बेनती की बैकयार्ड है थोड़ी ड्यूटी बनती उन्हों सामना जिहड़ी साडी सुरत है ये बेसिकली बड़ी संभाल मंगती है बड़ी इनू संभालने की लोड़ है जिवें वीर जी ने टीवी की गल की सिर्फ दो पल मैं किसी रूप के जो नवी टेक्नोलॉजी है ये विरोध में कोई लफ्ज़ नहीं कह रहा क्योंकि बाणी अलाव नहीं करती सन गुरुदेव महाराज की बाणी तो अगह वधू है चढ़ती कला की प्रतीक है हर टूल नू यूज़ करने की बात की जा रही है अज इंटरनेट है कंप्यूटर है नवी टेक्नोलॉजी है खास तौर पर ज्ञान खंड वेखद असं बड़ी बड़िया कमाल दिया चीज़ा वेखांगे जिस प्रकार बाबे ने समा सू जो है जोड़ा समय का इजाफा सू हो जिमें अज असं ब्रह्म ज्ञान दातं करते हैं गुरुदेव महाराज अगर जाके बाणी कई सुरतों दलां कर हूँ ब्रह्म ज्ञानी की बात की जाती है ब्रह्म ज्ञानी चोगे की पहचान या होर किसी रूप में रूहानी रूप में इधर उधर दातं रखने वाले लोगों को कहा गया पर मैं छोटी जी बेनती कराँगा जिन्हों लोगों ने इस धरती के उत्ते वायरलैस कम्यूनीकेशन सिस्टम पैदा किया उन्होंने की कहोगे जिन्हों लोगों ने इंटरनेट को इजाद कर दिया अखर का राज है तुम बैठे एक जगह पर अखर अलाप रहे हो उंगलों के नाल तुहाडे कन्न तुहाडे मूँह की तुहाडियां उंगलां अखर बोल रही हैं अगले पासे अखां अखर जिहड़ियां ने उह सुन रही हैं लगातार देखो तुम अखर का राज है फिर ब्रह्म ज्ञानता की अवस्था तक उन्होंने लोगों को नहीं तुम देखोगे जिन्होंने लोगों ने गुरबाणी के सर्च इंजन बना के रख दिया मैं देखता अज की तारीख के खास तौर पर साडा यूथ वो बाणी नाल जुड़ रहा है खास तौर पर साडी नौजवान पीढ़ी वो बाणी नाल सांझ बना रही है वो किस तरह इतने शब्द पढ़िया जाता है राइट में आईफोन कड़ते हैं पिछों नाल दी नाल शब्द देखना शुरू कर देंगे ये की है ये असल दे विच देखो ना किस रूप दे विच किसी ने मुशक्कत पाई किसी ने मेहनत पाई उस रूप दे विच कैसे कैसे इंतजार करके रख दिते इन्हां नूं तुसीं सेवा नहीं मानते शब्द की इन्हां नूं धर्म की सेवा नहीं कहा जाएगा इन्हूं किस रूप में मनांगे असीं ये अनेक प्रकार के टूल्स ने इस करके जो नवे डिवाइस ने नवी टेक्नोलॉजी है वो सब कुछ बड़ी कमाल है उस सारे तो लाहा खटन की लोड़ है पर एक छोटी जी बिनती ये भी चीज़ है हर चीज़ के दोले पक्ष होंगे ने एक चंग्याई का पक्ष एक बुरियाई का पक्ष है मैं खास तौर पर ज्यूज किताब चा मिलया पढ़ने को तो उन्होंने बड़ा सोहना आर्टिकल लिखा जी बेनती करें सुरत की क्योंकि भाई साहब ने सुरत के स्रोत की बात की हालांकि श्रम खंड का यह विषय है पर इतों ही थोड़ा जी प्रारंभता के नाम क्योंकि एग्जाम्पल के तौर पर मैं इतने बेनती कर लगा वो कहें उस आर्टिकल उन्होंने बड़ा लम्मा चौड़ा बयान किया मैं टूक मात्र जिक्र करता हाँ वो कहते ने देखो असी मनुख किन्ने समझदार हाँ किन्ने असी अपने आप को
ਅਕਲਮੰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਫਾਈਆਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਸੋਫੇ 'ਤੇ ਡਸਟ ਪਈ ਹੋਏ ਰਾਈਟ ਵੇ ਡਸਟ ਫੇਰਦੇ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਮੱਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਫਰਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਵੈਕਿਊਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਾਰਪੇਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਤੇ ਗੰਦਗੀ ਨਾ ਹੋਏ, ਕਾਊਂਟਰ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੱਪੜੇ ਧੋਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਛੋਟੀ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਜਿਹੜੀ ਗੰਦਗੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟੋ, ਉਸੇ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਹਰ ਵਗਾ ਲਓ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਐਸਾ ਗੰਦਗੀ ਦਾ ਸੋਮਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਸਜਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਐਸੀ ਗੰਦਗੀ ਖਿਲਾਰ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡੇ ਪੋਚਿਆਂ ਤੋਂ ਸੰਭਲੇ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਕਿਹੜਾ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੇ ਫੈਮਿਲੀ ਰੂਮ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਟੀਵੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਬੈੱਡਰੂਮ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਟੀਵੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹ ਕਰ ਕੀ ਰਿਹਾ? ਸਾਡੀ ਸਰੋਤ, ਸਾਡੀ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾ ਲਗਾਤਾਰ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਬੜੀ ਵੱਡੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਦੇ ਯੂਥ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜੀ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਕੋਲੋਂ ਹੋ ਕੇ ਦੇਖਿਆ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਮੈਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਯੂਥ ਕੈਂਪ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ, ਨੇੜੇ ਹੋ ਕੇ 12-12 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ, 14-14, 16-16 ਸਾਲ ਦੇ, 18-18 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਐਵੇਂ ਬਿਹੇਵ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ 40 ਸਾਲ ਦਾ ਬੰਦਾ ਬਿਹੇਵ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਤਨੀ ਮੈਚਿਓਰਿਟੀ, ਇਤਨੇ ਮੈਚਿਓਰ, ਬੜੀ ਹੈਰਾਨਗੀ ਹੋਈ। ਕਮਾਲ, 13 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਅਤੇ ਬ੍ਰੈਂਡ ਨੇਮ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਰੇ ਲੱਭਦਾ ਫਿਰਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚੋਂ। 15 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਕਿਤੇ ਗੈਂਗ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਾ ਲੋਚਦਾ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਡਰੱਗ ਦੀ ਬਾਤ ਲੋਕੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਕਮਾਲ ਹੈ, ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਉਸ ਵਕਤ ਪੀਂਘਾਂ ਉਲਾਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਵਿਜ਼ਨਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਜ਼ਨ ਇਤਨਾ ਵਾਸਟ ਅਤੇ ਇਤਨਾ ਕਮਾਲ ਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੀ 20-25 ਸਾਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਦੁਹਰਾ ਰਿਹਾ। ਬੜੀ ਹੈਰਾਨਗੀ ਹੋਈ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਿਉਂ? ਉਹ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੈਂ ਇੰਸਟਰਕਟਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਗੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਜਹਾਜ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਸੂਈ ਕੁ ਜਿੰਨਾ ਛੇਦ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਸੂਈ ਕੁ ਜਿੰਨੇ ਛੇਦ ਵਿੱਚੋਂ ਜਹਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਤੂੰ ਕੀ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਉਹ ਜਹਾਜ਼ ਡੁੱਬੇਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਡੁੱਬੇਗਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਸੂਈ ਜਿੰਨਾ ਛੇਦ ਆ, ਆਖਿਰਕਾਰ ਡੁੱਬੇਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਸ ਆਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ, ਸੂਈ ਦੇ ਛੇਦ ਵਰਗੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੇਅਰਲੈਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਆ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ 2-4-10-50 ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਛੇਦ ਵੱਧਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਆਖਿਰਕਾਰ ਜਿਵੇਂ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਕਬੀਰ ਬੇੜਾ ਜ਼ਰਜ਼ਰਾ ਉਂਤੇ 6,000, ਉਹ ਫਿਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਛੇਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ। ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ। ਗੁਸਤਾਖੀ ਲਈ ਮਾਫ਼ੀ, ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬਾਣੀ ਦਾ ਰਾਹ ਛੱਡ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਦੇਹ ਪ੍ਰਸਤੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਦੌੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਬਾਣੀ ਸਾਡੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਆਹ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਆ ਆਦਤ ਛੱਡ, ਆ ਹੈਬਿਟ ਛੱਡ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰ। ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਚਾਹ ਮੂਲ ਜਿਵੇਂ ਨਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਲੋਕ ਦੇਹ ਪ੍ਰਸਤੀ ਵਾਸਤੇ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋਠਾਂ 'ਚੋਂ ਨਾਮ ਲੈਣਾ, ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਪਾਉਣ ਲਈ, ਇਹੀ ਨਾਮ ਦੇ ਬਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ। ਗੁਰੂ ਵੀ ਨਾਮ ਦਿੰਦਾ, ਪਰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਇਹ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਲਾਉਂਦਾ ਨਾ ਨਾਲ। ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ 'ਚ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰ ਸਿੱਖ ਕੋ ਨਾਮ ਧੰਨ ਦੇ, ਗੁਰ ਕਾ ਸਿੱਖ ਵੱਡ ਭਾਗੀ ਹੇ। ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਗੁਰੂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਗੁਰ ਕਾ ਸਿੱਖ ਵਿਕਾਰ ਤੇ ਹੱਟ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਵੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਦੇਖੋ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖਾਂਸੀ ਹੋਏ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਡਰੱਗ ਸਟੋਰ ਤੋਂ $50 ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦਵਾਈ ਲੈ ਲਓ, ਘਰ ਆਉਂਦਿਆਂ ਲੱਗਿਆ ਸੋਚੋ ਚਲੋ $50 ਦੀ ਦਵਾਈ ਲੈ ਲਈ, ਖਾਂਸੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਰਸਤੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸਵੀਟ ਸੈਂਟਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਕਾਨ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, $5 ਦੇ ਪਕੌੜੇ ਵੀ ਨਾਲ ਲਿਆਓ ਚਟਣੀ ਸਮੇਤ, ਕੀ ਹੋਏਗਾ? $50 ਦੀ ਦਵਾਈ ਅਤੇ $5 ਦੇ ਪਕੌੜੇ, ਕੋਈ ਕਾਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਬਸ ਐਵੇਂ ਹੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੀਵਨ ਅਖੰਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੰਡ ਖੰਡ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਅਖੰਡ ਭਾਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਬੜੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬੜਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਵਾਂ 'ਚ ਉਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝ ਨਹੀਂ ਬਣ ਪਾ ਰਹੀ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਡਿਸਿਪਲਨ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਲਈਏ, ਗੁਰਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿ ਲਈਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਨੇਚਰ ਕਿਉਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਨੈਚੁਰਲੀ ਹੀਲ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਨੈਚੁਰੋਪੈਥੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਬਾਣੀ ਦੀ ਬਾਤ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗ੍ਰਾਸ ਰੂਟ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
असी बाणी का प्रमाण पढ़ते हैं, जब बाणी पढ़ते बिल्कुल साधारण जी बात गुरुदेव महाराज कहते हैं, अमृत बेला सच नाम वडियाई विचार। अमृत वेला जो प्रभात का समा है तो उस वक्त आम करके कहा जाता है। कुछ लोग भी कहते हैं भी जीवन ही सारा अमृत वेला है, पर जो प्रभात के समय में लिया जाए। लेटेस्ट अजे हमने एक स्टडी खास तौर पर यूरोप के हुई, जिहड़े लोग अबाउट 70 या 75 अपनी उम्र हंडा रहे थे, क्योंकि बेबी बूमर्स जिहड़े ने अगली इस एज में आने वाले ने बहुत जल्दी, तो बेबी बूमर्स वास्ते वो लोग जिहड़े इस एज तक पहुँचे ने खास तौर पर बहुत बीमारियों तो बचे ने, वो लोग रोल मॉडल हो सकते हैं हैल्थ के पक्ष। इस करके उन्होंने स्टडी की थी, तो उन्होंने खास तौर पर आदतों बारे उन्होंने पूछा, तुम हैरान हो गए उन्होंने बहुत ने यह गल मनी, असी बहुतायत रूप के प्रभात समय अर्ली बैड जोड़ा है त्याग देते हैं, समय में बिस्तरे का त्याग करते हैं, एक बड़ी चंकी जांच है। जे स्वस्थ रहना है, उम्र को सही रूप के हटा है, शरीर को रोगों तो दूर करना है, वह कहते हैं जांच है बड़ी वधिया। हुण जे तुसी नेचर क्योर वाले को जाओ तो वो अक्सर कहते हैं भावे तू देर रात को सुता है, ट्राई कर प्रभात समय उठ के सैर करें, बाहर जाके प्रयास कर प्रभात समय बिस्तरे का त्याग कर दे, दोबारा फिर सौंदी थोड़ी देर बाद घंटा आधा आराम करना है तो वह वक्त छड़ दे। बाणी इस रूप में कह रही है। फिर अगली बात जी मैं बेनती खास तौर पर कर रहे थे उन्होंने कैंप की, मैं क्या मुश्किल बहुत है, जिमें तुम असूल दिखाते हो तो यह भी सच्चाई है, आप दी असीस सदका बड़ा ट्रैवल करने का समा बनिया, तो अक्सर जो